लानारी, नो आई एम नॉट। इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा तो शायद मुझे अपनी नौकरी। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉक अबाउट यू। आज की इस वीडियो में हम रितु राठी और एक ही गरोतने जाके डाइवोर्स रियलिटी को चेक करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए किया जा रहा है कि इसमें कोई सच्चाई भी है, तो चलिए मामला थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। के गौरव तनेजा ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन के साथ साथ ये एक्स पायलट भी हैं। इनका फ्लाइंग बीस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये अपनी डे टू डे लाइफ ब्लॉगिंग के थ्रू अपलोड करते हैं, और रितु राठी इनकी वाइफ है, ये भी एक पायलट है और गौरव तनेजा के साथ ब्लॉगिंग वीडियोस करती हैं। ये लोग सोशल मीडिया के परफेक्ट कपल माने जाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा, प्यार, परिवार सब कुछ है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। साथ ही साथ इनकी ब्लॉगिंग वीडियोस में भी इन लोग बहुत खुश नजर आते हैं। हालांकि इन लोगों ने अपने कुछ ब्लॉग्स में बताया है कि इन दोनों में झगड़े होते हैं, लेकिन ठीक है, हर कपल में ये झगड़े होते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग की एक वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, उसमें एक औरत ने ये पूछा कि उनके पति ने उनके साथ छल कपट और निंदा किया जिनसे उन्होंने सच्चा प्रेम किया, क्या उनसे वो अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ सकती हैं? हालांकि ये सवाल पूछते समय उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल रितु राठी जैसी थी और उनकी सिचुएशन भी, और इस आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। जब वीडियो को जूम करके देखा गया तो उस सत्संग में रितु राठी बैठी हुई थी। उसके बाद मानो सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया कि आखिर गौरव तनेजा ने रितु राठी के साथ ऐसा कैसे किया, उन्हें चीट कैसे किया। हर कोई रितु राठी का आवाज़ बनकर खड़ा हो गया, जिसके बाद गौरव तनेजा को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा। और गौरव तनेजा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये बताया, आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, ready to live with all the negativity and hate for my entire life. Please don't expect any public explanation. Please stop making any assumptions. Men are made villains very fast. We don't cry, we talk less and express less. Some of us are hard wired like that. Social media is not a place to discuss family matters. I have nothing to say. Hopefully everything will be sorted soon. इस पोस्ट से तो ये क्लियर हो गया कि उस सत्संग में बैठी औरत रितु राठी थी जिनकी आवाज़ में इतना दर्द था। उनके बीच में जरूर कुछ गलत चल रहा है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वो पब्लिकली नहीं देंगे क्योंकि कुछ मैटर पब्लिकली सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं और वो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन इसके बाद गौरव तनेजा को और ज़्यादा हेट मिलने लगा कि आप तो वो हैं जो हर छोटी सी छोटी चीज़ ब्लॉगिंग के थ्रू ऑडियंस को दिखाते हैं, अब बता रहे हैं कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसको आपको नहीं बताएंगे। तभी रितु राठी का रिप्लाई वीडियो आया, माया अबला नारी, नो आई एम नॉट। रियलिटी चेक, द मेड हु कम्स टू योर हाउस वो अबला नारी है। समर्थ रितु राठी के इस रिप्लाई वीडियो के बाद लोगों का दिल बुरी तरीके से टूट गया, क्योंकि इस रिप्लाई वीडियो में ये बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़कर बोल रही थी और बता रही थी कि मुझे अबला मत समझो, मैं कैपेबल हूँ अपनी चीज़ों को खुद शॉर्ट करने के लिए और मैंने कोई भी पब्लिकली इस चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई कि श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग हमेशा उनके YouTube चैनल पर अपलोड होता है। ऐसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके सत्संग में गए हैं, उनसे वार्तालाप की है, तो वो वार्तालाप सोशल मीडिया पर अपलोड हुई है। अगर आपने भी की है तो आपकी भी वीडियो अपलोड हो सकती है, ऐसा आपको सोचना चाहिए था। अगर लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे और आपकी आवाज़ में इतना दर्द होगा और लोग जानेंगे कि आप रितु राठी हैं, तो जाहिर सी बात है लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। ऐसा रिप्लाई वीडियो बनाकर आपने लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंचाया है। अगर कल को किसी औरत के साथ गलत हो रहा होगा तो लोग अब बोलने में डरेंगे कि अगर मैं बोल दूँ तो ऐसा रिप्लाई वीडियो ना आ जाए। बाकी कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के लिए की जा रही है, इसका जवाब तो सिर्फ रितु राठी और गौरव तनेजा ही दे सकते हैं। बाकी आजकल सोशल मीडिया पर ये बढ़ते डाइवोर्स ट्रेंड से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये लोग अपने ब्लॉगिंग चैनल पर ऐसी ड्रीमी लाइफ दिखाते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, इनसे परफेक्ट लाइफ तो कोई जी नहीं रहा है, इससे अंडरस्टैंडिंग कपल तो कोई है ही नहीं। फिर अचानक से ये खबर आती है कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, इन लोग में नहीं बन रही है, इन लोग में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या सोशल मीडिया पर जी हुई लाइफ फेक होती है? इस क्वेश्चन मार्क के साथ मैं इस वीडियो को यहीं कर रही हूँ।
अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी रियल और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारे वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। करनी हो कोई बात या करनी हो कोई शिकायत तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।